जैनब के पापा अपनी अम्मी के लिए नाश्ता बना ले, मुझसे नहीं बनाया जाता। चलें जी, बेगम ने तो मना कर दिया है, अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। कमेंट में बताएं अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो। ये बंद कितना क्रिस्पी हो गया, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको अच्छा लगा बताएं कमेंट। मैंने जैनब की मामा को कहा कि आप आइए, उन्हें मुझे अंडा बना दीजिए, मुझे नहीं बनाना आता इस तरह का अंडा। उसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, वाह। उसके बाद जैनब की मामा ने अंडे को बंद में रखा और उसके दो पीस कर दिए, वाह। कमेंट में बताएं क्या बात है। ये मैं ऊपर ले आया आपकी अम्मा को देने, यानी जैनब की मामा की सास को, यानी अपनी अम्मा को। हाँ जी, कैसा बनाया बताएं खाकर? बहुत मजेदार। जैनब के पापा को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सबको कहें, सारे लोग लाइक कर दें। पापा जी खाना लेता है। पापा जी खाना लेके आए। खाना लेते आए। आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा सब्र करो। ये लो मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। मोहम्मद बेटा खाना खाओ। बेटा अब तो खाओ ना खाना। पाजी मैंने भी सूखी रोटी नहीं खानी। बेटा घी तो सिर्फ एक रोटी का ही है, आज ऐसा करो सूखी रोटी खा लो ना। पापा जी हम एक रोटी ही मिल बांट के खा लेंगे, वैसे भी तो आप कहते हैं ना कि मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, शाबाश बेटा, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। ये मेरा बेटा मोहम्मद है और ये मेरी बेटी जैनब। सुबह नाश्ता करके मैं ड्यूटी पे जाने लगता हूँ तो दोनों मुझे कहते हैं, पापा जी आते हुए कुछ ले आना। तो मैं जो भी लेके आता बेटे को पकड़ा देता और बेटी से कहता, तू मेरा पुत्र छुट्टी का, चल। जैनब की मामा, इधर तो आए, देखें जरा हमारे चैनल को कोई देख ही नहीं रहा, इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड की हैं और अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। जैनब के पापा कोई बात नहीं है, एक दिन जरूर हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेगम, मेरा नहीं अब दिल कर रहा बनाने को और वीडियोस, मैं आगे ही बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई देखता ही नहीं है। नहीं पापा जी, आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ हाँ जैनब के पापा, आप जरूर बनाए वीडियो। आप लोग भी कमेंट में यस लिखे कहा कि जैनब के पापा वीडियो बनाए। आज मैं थका हुआ घर आया और दुआ का गिफ्ट लाना भूल गया। जैसे ही मैं घर आया सबको सलाम किया और दुआ मुझसे कहने लगी, पापा जी मेरा गिफ्ट मिला है। और जैनब ने फिर कहा, दुआ सबर करो, अभी तो पापा आए, उनको नहा लेने दो, फिर बैठ के बात करते हैं। और फिर मैंने जैनब की मामा को कहा कि गीजर ऑन कर दें और मैं नहाने चला गया। पापा मेरे लिए चीज नहीं लाए, मैं गीजर की आग तेज कर दूंगी। और जैसे ही मैंने नहाने के लिए पानी खोला, बदला ले लिया। पापा जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो अपनी दादी की कब्र पे जा रहा हूँ। पापा जी मैंने भी अपनी दादी की कब्र पे जाना है। चुप कर जाओ दुआ, बात करने से पहले ना कुछ सोच लिया करो, मेरी अम्मा जान अभी जिंदा है। जैनब के पापा अभी दुआ को क्या पता कि कब्र क्या होती है? रहने दें बेगम, दुनिया जहान की बातें इसे आती हैं और ये नहीं पता कि कब्र क्या होती है। बस इसकी यही सजा है कि आज सारा दिन इसको फीडर नहीं मिलेगा। सारे बाग में सिर्फ एक ही माल्टा था और वो भी आके बेगम ने तोड़ लिया, प्लेट में रख के मुझसे कहने लगे, ये ले जैनब के पापा, इंसाफ के साथ बच्चों में तकसीम कर दें। मैंने जल्दी से माल्टे का छिलका उतारा, 3 पीस खुद रखे, 3 जैनब, 3 मोहम्मद और 2 दुआ को दे दिए। दुआ कहने लगी, मामा जी देख लें पापा इंसाफ नहीं कर रहे। मुझे फिर एक तरकीब सूझी, मैं जल्दी से घर गया, किचन से जूस निकालने वाली मशीन लेके आया, माल्टे का जूस निकाल के 2-2 चम्मच बच्चों को पिला दिए। अब आप लोग बताएं हमारे पापा ने इंसाफ किया। दुआ बेटा बड़ी प्यास लगी है, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। नौकर नहीं हूँ या मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, करोड़ों की मालकिन हूँ, नौकर नहीं होता।